सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको जिस क्वेश्चनर की मैंने बात की थी, जिसे एक इस्लामिक स्कॉलर ने वीडियो बनाकर उत्तर दिया था, जिसमें 20 प्रश्न थे, तो आज उसके दूसरे प्रश्न के जो उत्तर थे उसके प्रत्युत्तर में यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस दूसरे प्रश्न में यह बताया गया है कि यह पूछा गया है उनसे कि इस्लाम का जो ईश्वर है यानी अल्लाह जिसको वे कहते हैं, तो वह निराकार है जैसा कि वे क्लेम करते हैं। तो फिर बिना साकार हुए जो ईश्वर साकार नहीं हो सकता, वह भला पूर्ण कैसे हो सकता है, वह सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है। तो इसके उत्तर में उन्होंने यह कहा है कि अल्लाह कोई अलग से गॉड नहीं है, बल्कि अल्लाह का मतलब दाए गॉड होता है, अल मतलब द, अल्लाह मतलब गॉड, और कहते हैं कि जो अल्लाह है वही सनातन धर्म में जो ईश्वर का वर्णन है वही वह है, जबकि मैंने इसके पिछले वीडियो में सिद्ध किया था कि जो अल्लाह है वही सनातन धर्म का ईश्वर नहीं, अल्लाह एक है, जबकि सनातन धर्म का ईश्वर जो है वह अनंत है। यह अंतर मैंने स्पष्ट कर दिया था। अब इस दूसरे प्रश्न को जो उन्होंने उत्तर के रूप में प्रस्तुत और किया, वह यह किया कि उन्होंने सुबाल उपनिषद से उदाहरण दिया और यह कहा कि देखिए, सनातन धर्म के भी उपनिषदों में ईश्वर को निराकार कहा है, इसलिए जो पुराण में कहा गया है वही यहाँ कहा गया है। यह अर्ध सत्य है, यह आधी बात उन्होंने कही है। सनातन धर्म के ग्रंथ में ईश्वर को निराकार भी कहा है, निराकार ही कहा है, ऐसा नहीं, जबकि उनके यहाँ निराकार ही कहा गया है, यहाँ निराकार भी कहा गया है। अगर कोई ईश्वर सिर्फ निराकार है तो वह पूर्ण भला कैसे हो सकता है, बिना आकार ग्रहण किए हुए वह पूर्ण नहीं हो सकता। जिस ईश्वर में आकार ग्रहण करने की क्षमता नहीं होगी वह सर्वशक्तिमान नहीं कहा जा सकता, पूर्ण नहीं कहा जा सकता, निर्विकल्प नहीं कहला सकता। सनातन धर्म में ईश्वर को अनंत कहा है, और अनंत कहा है इसलिए यह भी कहा है कि वह निराकार है और साकार भी है, और इतना ही नहीं, वह साकार और निराकार इन दोनों से परे भी है, इससे बियॉन्ड भी है, मात्र इस द्वैत में नहीं है, वह साकार और निराकार के द्वैत में नहीं है, साकार और निराकार से परे भी है, और एक अनंत के लिए यह अनिवार्य भी है कि वह इन दोनों से परे भी हो, साकार भी हो और निराकार भी हो। तो उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, उदाहरण बहुत सारे भरे पड़े हैं जिसमें कि कहा गया है कि परमात्मा निराकार है, लेकिन उन्होंने जो सनातन ग्रंथ में जो आकार की भी बात की गई है उसको उन्होंने छांट दिया है, क्योंकि वो उनके मतलब का नहीं था, उनके कुरान के मतलब का नहीं था, इस कारण
वो उनके जो तर्क थे उनको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं था, बल्कि उसके खंडन के लिए था, तो उन्होंने उसको लिया ही नहीं। तो ये आधे झूठ प्रस्तुत करते हैं और आधी सच्चाई, जबकि आपको उसको पूर्णता में देखना है। आप अध्ययन करते हैं धर्मशास्त्रों का तो सांगोपांग अध्ययन कीजिए, और पूरा का पूरा जब अध्ययन करेंगे गीता का या उपनिषद का या वेद का अच्छा से, तो आप समझेंगे इसमें साकार और निराकार दोनों की ही बात है। अब मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूँ ताकि उनको या जो भी श्रोता है उनको यह ना लगे कि ये उदाहरण है या नहीं है। तर्क से भी प्रमाणित हो जाता है और जो शास्त्र में उदाहरण दिए हैं उससे भी प्रमाणित हो जाता है। सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। आप उसमें दो अध्याय दो के तीन ब्राह्मण के एक जो मंत्र है उसमें आप इसे पाएंगे। इसमें कहा गया है द्वे वाव ब्राह्मणो रूपे मूर्तम चैव अमूर्तम च मर्त्यम च अमृतम च अस्थितम च यच्च त्यच्च। अर्थात जो ईश्वर हैं वे मूर्त भी हैं और अमूर्त भी हैं, मूर्त भी हैं और अमूर्त भी हैं और मर्त भी हैं और अमृत भी हैं, यानी जो मरणशील है मरण धर्मा भी हैं और अमर भी हैं, एक ही साथ दोनों, जिस तरह से क्वांटम फिजिक्स में होता है उस तरह से यहाँ बात है, एक ही साथ दोनों हैं और वे स्थित भी हैं और चलायमान भी है, एक ही साथ दोनों। तो यह बृहदारण्यक उपनिषद का यह मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परमात्मा मूर्त और अमूर्त दोनों ही है। अब आपको मांडुक्योपनिषद के आगम प्रकरण का उदाहरण बतलाता हूँ, 26वां मंत्र है यह। तो इस मंत्र में यह कहा गया है प्रणवो ही अपरम ब्रह्म प्रणवश्य परः स्मृतः, यानी ईश्वर जो हैं वो अपर ब्रह्म भी हैं और पर ब्रह्म भी हैं, यही स्मरण करने योग्य है। पर ब्रह्म यानी निराकार की स्थिति और अपर ब्रह्म यानी साकार की स्थिति। तो यह मांडुक्योपनिषद का आगम प्रकरण स्पष्ट कर दे रहा है। और फिर इसी मांडुक्योपनिषद में ही कह दिया गया है कि प्रणवम ही ईश्वरम, 28वां मंत्र जो है इसी का, उसमें ये कह रहा है कि प्रणव ही जो है वो ईश्वर है। और वो कह रहा है विद्यात् सर्वस्य हृदय संस्थितम, और उसके विषय में यह है कि वो सब स्थानों पर मौजूद है, सभी के केंद्र में स्थित है। हृदय मतलब केंद्र, सभी के केंद्र में वो स्थित है, कोई चीज़ बाकी नहीं है, हर चीज़ वही है। मैंने इसके पिछले वीडियो में भी समझा दिया था इस बात को। और अनंत हैं, या मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में भी समझा दिया था, अनंत हैं। ब्रह्म बिंदु उपनिषद के 9वें मंत्र में भी कहा गया है निर्विकल्पम अनंतम च हेतु दृष्टांत वर्जितम अप्रमेयम अनाध्यम च ज्ञात्वा च परमम शिवम। तो जो ये बात किए हैं कि जो अल्लाह है वही ब्राह्मण है वही महेश है, तो यहाँ देखिए यहाँ किसको कहा जा रहा है, जो अनंत है अनादि है, जिसका आदि नहीं है, जिसकी शुरुआत नहीं है, तो कहीं से भी आपको शुरुआत नहीं मिलेगी और कहीं से भी अंत नहीं मिलेगा। जिसका अंत हो गया यहाँ साकार में आके अंत हो गया, तो फिर ऐसा मतलब हो गया कि फिर वह पूर्ण नहीं है, फिर वह अनंत नहीं है, फिर वह एक संख्या में है। तो इसलिए
कुरान का ईश्वर, कुरान का अल्लाह और यहाँ का ईश्वर सनातन धर्म का वो एक नहीं है, जैसा कि वो सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको तैतरीय उपनिषद के उदाहरण बता रहा हूँ, जिसमें कहा गया है अन्नम ब्रह्मेति व्याजानात। तैतरीय उपनिषद का वल्ली 3 और अनुवाक 2 में कहा गया है कि यह जो पदार्थ है अन्न, वो पदार्थ यहाँ कहा गया है कि जो पदार्थ है वह ब्रह्म ही है, वह ईश्वर ही है, स्पष्ट कर दिया गया है। फिर कहा गया है वही अनुवाक 3 में प्राणो ब्रह्मेति व्याजानात, जो प्राण हैं वे भी ईश्वर हैं। फिर अनुवाक 4 में कहा गया है मनो ब्रह्मेति व्याजानात, यानी जो हमारा मन है, ये पूरे अस्तित्व का जो मन है वह भी ब्रह्म है। फिर कहा गया है विज्ञानम ब्रह्मेति व्याजानात, और जो नियम है, विज्ञान मतलब नियम, जो नियम है, जो मतलब जिन नियमों के तहत यहाँ घटनाएं घटती हैं वे नियम भी ब्रह्म है। तो यह भी यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि सनातन धर्म के ग्रंथों में साकार ईश्वर की भी बात की गई है। अब ऋग्वेद के मंडल 10 के सूक्त 90 में आते हैं, जिसमें कहा गया है पादोश सर्वाभूतानि त्रिपादश अमृतम देवेति, अर्थात यह पूरा जो अस्तित्व है इसके जो 3 चरण हैं वे 3 चरण निराकार हैं, और एक जो चरण है वह साकार है। कितना भाग है इस भाग को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 3 भाग निराकार है, 1 भाग साकार है इस पूरे अस्तित्व का। और वही ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में ही, उसी के 90 सूक्त में ही, अगले मंत्र में ये कहा गया है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, यानी वह हजारों सिर वाला है, यानी यहाँ हजार का मतलब ज़्यादा से मतलब नहीं है, मतलब बहुत संख्याओं से है, और हजारों आँखों वाला है, हजारों पैरों वाला है। जाहिर सी बात है यहाँ पर आकार का वर्णन किया जा रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद में आप देखेंगे 4 अध्याय के 5वें ब्राह्मण के 11वें मंत्र में, उसमें कहा गया है अश्य महतो भूतस्य निःश्वितम् एतद्यत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः, अर्थात यह जो महान जो ईश्वर हैं ये पूरा जो अस्तित्व है इसमें जो साकार अस्तित्व है वह परमात्मा के निश्वास से उत्पन्न है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद भी उसी से है, यानी परमात्मा के निश्वास से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर फिर साकार का दृष्टिगोचर होता है, साकार उनका अस्तित्व सिद्ध होता है। इसके बाद आप देखेंगे कठोपनिषद के 2 अध्याय के 2 वल्ली के 12 मंत्र में, जिसमें कहा गया है एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बौधायत करोति, यानी वह इस समस्त जो अस्तित्व है, तो जो ईश्वर हैं वह एक रूप में जो हैं वे ही फिर बहुत रूप में हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था पिछले बार में कि उसको एकमेव की स्थिति कहा जाता है, यानी केवल की स्थिति। यहाँ भी जो एकम शब्द का प्रयोग है वह केवल के लिए ही है, तो वह जो है कई रूपों में हो जाते हैं, तो यहाँ भी साकार का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। उसके बाद फिर आप श्रीमद् भगवद गीता में देखेंगे 15 अध्याय के 7 श्लोक में कहा गया ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरे ही अंश के हैं ये सारा जो
जितने लोक हैं और जितने भी प्राणी हैं सब मेरे ही अंश के हैं, यानी सब मैं ही हूँ, और ये भी सनातन है, ये भी सनातन है, लोक भी सनातन है, प्राणी भी सनातन है, क्योंकि वो मेरे ही अंश के हैं, तो सनातन उनको होना ही है। जब मैं सनातन हूँ, मेरी अंश के आने मैं ही हूँ, और श्वेताश्वतर उपनिषद के आप अध्याय 4 में मंत्र दूसरे में आप देखेंगे तो कहा गया है तदेव अग्नि तदादित्य तदायुः तदौ चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदापः तत्प्रजापतिः, अर्थात वही अग्नि है परमात्मा, ये जो अग्नि है वो परमात्मा ही है, वही सूर्य भी है, जो सूर्य है वो भी वही परमात्मा ही है, और जो वायु है वह भी वही है, चंद्रमा जो है वह भी वही है, शुक्र जो है वह भी वही है, और जो जल है वह भी वही है, और प्रजापति भी वही, स्पष्ट कर दिया गया है कि सारे जो रूप हैं सब आकार जो हैं वो वही है, परमात्मा ही। अब इसे स्पष्ट आपको और क्या चाहिए। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद के अध्याय 3 कारिका 16 में, और यही सेम यही जो मंत्र है, जो श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है, यही गीता में भी है 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में, इसमें कहा गया है सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षी शिरोमुखम, ऐसा ही ऋग्वेद में भी था, और यह भी यहाँ आप देख सकते हैं सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वम आवृत तिष्ठति, कि सभी दिशाओं में उसके हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, मुख हैं, और ये पूरे अस्तित्व को वो समेटे हुए है, सारे लोगों को समेटे हुए है, और उसमें स्थित है, बिल्कुल आकार की बात स्पष्ट कर दी गई है। और बृहदारण्यक उपनिषद में दूसरे अध्याय 4 वल्ली 6 मंत्र कहता है इदम सर्वम यद आत्मा, यहाँ जो कुछ भी है सब वही ईश्वरीय, इदम सर्वम यद आत्मा, यहाँ जो कुछ भी है वह ईश्वरीय। बृहदारण्यक उपनिषद के शांति पाठ में इसमें कि ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उच्चैते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव वशिष्यते, यानी यह अस्तित्व पूर्ण है, इस अस्तित्व से आप यदि कुछ भी निकालते हैं, यह सदा परिपूर्ण है, इस अस्तित्व से आप कुछ भी निकालते हैं तो वह भी पूर्ण ही है, और जो बच जाता है वह भी पूर्ण ही है, और आप निकालेंगे क्या, उसी से ही आप कंसिडर करेंगे, अन्यथा आपके पास निकालने के लिए कुछ नहीं है, अनंत से आप कुछ नहीं निकाल सकते, अनंत के ही जिसमें कई संख्याएं हैं उसमें से ही एक संख्या आप निकाल लेते हैं उदाहरण के लिए, तो उसी में से निकाला है, वास्तव में वो निकला हुआ कुछ नहीं, क्योंकि आप जो निकालने वाला है जो स्थान है जहाँ निकला वो भी वही है, तो वो निकला ही नहीं मूलतः, लेकिन उसमें से ही आप जो कर देते हैं, यानी जो यह सापेक्षिक अस्तित्व है वह भी उसी निरपेक्ष अस्तित्व में है, तो वह जो एब्सोल्यूट है वह किसी भी हालत में कम नहीं हो सकता है, कहने का मतलब यही है, उसका कहीं आप विकल्प नहीं खोज सकते हैं। तो यह सनातन धर्म के शास्त्रों से यहाँ पर मैंने प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर जो है साकार भी है और निराकार भी है, निराकार तो वे मान ही रहे थे, साकार भी है, और साकार और निराकार से परे भी उसका अस्तित्व है, इसीलिए पूर्णम इदह की बात की गई है, और जब परे होगा तभी पूर्ण होगा, नहीं तो इन दोनों में रह जाएगा, इन दोनों में फिर सीमित हो जाएगा, साकार और निराकार में, साकार और निराकार ही नहीं है वह, इनसे भी वह परे है, इससे भी बृहत है और इससे भी सूक्ष्म है, इसीलिए वह पूर्ण है और इसीलिए वह अनंत है। तो ये अनंत और पूर्ण ये जो दो मंत्र हैं अनंत के और पूर्ण के, वे सिद्ध करते हैं कि वह साकार और निराकार से परे भी है। और यहाँ तक इस्लाम की बात है तो उसमें निराकार की बात की गई है जैसा वे दावा करते हैं और भी लोग दावा करते हैं, लेकिन वहाँ भी साकार सिद्ध होता है। अब मैं उनको बताऊँ क्यों, क्योंकि वहाँ जो है अल्लाह है वो बात करता है, अल्लाह ने मोहम्मद से बात की, मोहम्मद साहब कहा गया था है कि अल अक्सा
मस्जिद से गए थे स्वर्ग, वहाँ पर जो है उन्होंने बात की अल्लाह से, तो वहाँ जा कर के बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी स्थान विशेष को गए जहाँ वे रहते हैं। तो एक तो ऐसे ही अस्तित्व सिद्ध हो रहा है, सीमित अस्तित्व और आकार अस्तित्व, क्योंकि कोई भी आकार वाला ही कहीं रह सकता है, निराकार का तो स्थान का कोई मतलब नहीं है। फिर वहाँ बात की, अब बात भी कैसे की, पर्दे की आड़ में, तो पर्दे की आड़ की ज़रूरत किसको है, जिसका आकार है, तो आकार वहाँ सिद्ध होता है। आप कुरान की हर सूरह को पढ़ लें, हर सूरह में अल्लाह जो है आकार वाला ही सिद्ध होता है, क्योंकि वह बोल रहा है, वह देख रहा है, वह समझा रहा है, उद्देश्य बता रहा है, किसको मारो किसको नहीं मारो, किसको इनाम देना है किसको नहीं देना है, किसको गुट में मिलाना है किसको गुट के बाहर करना है, यहाँ तक कि एक एक नियम भी बतला रहा है जीने का, किसको कहाँ से उठाए कहाँ से हटा दिए, कहाँ किसी को बचा लिए, किसी की बस्ती में अजाब आ रहा है तो किसी की बस्ती को बसा रहे हैं। तो जो कहता है उसमें है कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने सोचा, अल्लाह हिसाब लेता है, ये सारे कर्म जो हैं अल्लाह ने देखा, तो देखना जब भी होगा तब उसमें आकार की बात आ जाएगी, क्योंकि देखना आकार का ही विषय है। ये जितने भी कर्म होते हैं ना, कहना, बोलना, सुनना, समझना, ये जिसमें भी क्रिया है वह आकारमय ही होता है। कोई ऐसी क्रिया आप सिद्ध नहीं कर सकते जो कि आकारमय नहीं। और अब आगे के ये अभी और विषय आएगा, उसमें आप देखेंगे जितने भी क्रियाएं हैं, जैसे हवा बह रही है, इसको इन्होंने निराकार समझा है। हवा का भी आकार है, और ये जो तरंगें जा रही हैं प्रकाश की या विद्युत की, इनके भी आकार हैं। प्रकाश की तरंगें फोटोन हैं, उसका भी आकार है, ऐसा नहीं है कि वह आकार रहित है। हवा में जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, सल्फर ऑक्साइड हैं, ये सभी के आकार हैं। आपको किसने ये बता दिया कि यह आकार वाला नहीं है, निराकार है? निराकार तो यहाँ पर अभी कुछ भी सिद्ध करके नहीं दिखाया जा सका है, निराकार सिर्फ अभी सिद्धांत में ही है, वह अनुभूत किया गया है लेकिन प्रमाणित नहीं किया जा सका है, प्रमाणित सिर्फ वह तर्कों के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर दूसरों को समझाया नहीं जा सकता। जो आध्यात्मिक व्यक्ति ने निराकार तत्व को महसूस किया है तो वे भी उसे प्रमाणित सिर्फ तर्कों के आधार पर कर सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि आप स्वयं समाधि में जब प्रवेश करेंगे तो आपको महसूस होगा बस। अन्यथा वैज्ञानिकों ने अब तक जितनी भी चीज़ें खोजी हैं और मनुष्यों ने जितनी चीज़ों को अनुभूत किया है, ये सभी की सभी आकारमय ही हैं, आकार से आप बच नहीं सकते। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किया इसी के कारण, और विरोध इतना किया कि मूर्ति को खंडन करने लगे, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि मूर्ति की परिभाषा क्या है। मूर्त का मतलब होता है जिसके आकार हों। अगर आप कोई एक मूर्ति बनाई गई एक विशेष डिजाइन से, अगर आपने उसको तोड़ दिया तो आपने मूर्त को नहीं तोड़ दिया, वो विशेष जो आकार बना था उसको तोड़ा, लेकिन मूर्त तो फिर भी बचा रहा क्योंकि आकार बचा हुआ है। आप उसको पीस के पाउडर भी बना देंगे तो भी आकार बचा रहेगा, क्योंकि कणों के भी आकार होते हैं। आप उसको विद्युत में भी बदल देंगे, अग्नि में बदल देंगे तो भी आकारमय ही होगा, क्योंकि हीट के भी आकार हैं, उसके भी अवयव हैं, प्रकाश के भी अवयव हैं, जो भी तरंगनुमा है उसका अवयव है, वो आकारमय है। तो या तरंग के रूप में हो या कण के रूप में हो, दोनों के आकार हैं। आप मूर्त का खंडन कभी नहीं कर सकते। आप एक विशेष प्रकार के मूर्त को विशेष प्रकार के मूर्त में बदल सकते हैं, अमुक प्रकार के मूर्त को आप तोड़ करके अमुक दो प्रकार, तीन प्रकार, दस प्रकार में बदल सकते हैं, लेकिन इसे जो मूर्त अस्तित्व है वह समाप्त नहीं होगा। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ आज तक, कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी पुरुष
कोई भी संत, कोई भी व्यक्ति जो कि मूर्त को समाप्त कर दे, ना कोई ऐसा होगा। मूर्त वास्तविकता है, आप उसे समाप्त नहीं कर सकते, आप स्वयं मूर्तमान हैं। यहाँ हर चीज मूर्तमान है, तो जो मूर्तमान है उसे आप समाप्त नहीं कर सकते। ये कोई कल्पना नहीं है पदार्थ, इसका अस्तित्व तो है। आप जला सकते हैं, आप उसे अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं में बदल सकते हैं, लेकिन सभी ऊर्जाओं का जो स्वरूप है वह मूर्तमान ही है, सब साकारमय है। और चूंकि वह ईश्वर है, वो समाप्त कैसे होगा? वो मूर्त से बदल के मूर्त ही बनेगा और कुछ नहीं। तो इस तरह से आकार का अस्तित्व तो सिद्ध होता है। अब अगले वीडियो में मैं अगला जो प्रश्न था उसका उत्तर लूँगा और उसका समाधान मैं करूँगा। ओम हरि।